रूस की जंग के एक साल पूरे होने वाले हैं। जी मीडिया की टीम एक बार फिर से 9 महीने बाद यूक्रेन पहुंची हुई है। हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर ने यूक्रेन की राजधानी कीव से एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें वो बता रही है कि किस तरीके से कड़ाके की ठंड से जूझ रहे यूक्रेन में पावर कट लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। महायुद्ध का एक साल, क्या है यूक्रेन का हाल? यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव पर मंडराई पावर कट वाली आफत। शाम के वक्त ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जब ठंड और बढ़ती है यहाँ पावर कट होने लगता है और आवाजाही से लेकर यहाँ रहना, यहाँ का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप यूक्रेन रूस की जंग का एक साल पूरा होने वाला है। अब रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमला करने की तैयारी कर रही है। वैसे तो रूसी सेना हर दिन यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। कीव, खारकीव, ओडिशा जैसे शहर रूसी मिसाइलों के शिकार बने रहे। रूसी हमलों से यूक्रेन की पावर हाउस को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई शहरों में ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर 9 महीने के अंतराल के बाद जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर दाखिल हुई। युद्ध के शुरुआती दिनों में वीरान हो चुके कीव की रौनक लौट तो गई है। सड़कों पर पहले के मुकाबले चहल पहल है, लेकिन पारा माइनस में पहुंच चुका है। कीव में हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त यहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे रात यहाँ और होने लगती है ठंड और बढ़ने लगती है और पारा -11 से -12 डिग्री में चला जाता है। दिन के उजाले में जिस कीव को आपने गुलजार देखा, रात की सड़कें अंधेरे में डूबी हुई और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर एक बार फिर कीव की सड़कों से गुजरी। कीव शहर नजर तो आ रहा है, लेकिन अंधेरे में। रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग अपने 11वें महीने में है और ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसका खामियाजा दोनों ही तरफ के आम लोग झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है, लेकिन दूर दूर तक यहाँ आपको बिजली नजर नहीं आएगी। कीव के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत पावर कट है। दिन में तो बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन शाम ढलते ही पूरा कीव ब्लैकआउट का शिकार हो जाता है, लिहाजा कीव की सड़कें वीरान हो चुकी हैं। इसी बीच छात्र छात्राओं का एक ग्रुप नजर आता है, जो मोबाइल लाइट के जरिए आगे का रास्ता तलाश रहा होता है। We charging power banks because it's really important now because we need light. Light with mobile phone. We use mobile lights because in freeze battery is very low, very fast lowing. Yes, it's very difficult. You cannot cook anything because we mostly have electrical stoves, and we mostly like eat cold food or nothing at all. Freezing, but fortunately we have like a kamin, fireplaces that we fire up and it's much warmer. It's difficult for me when I passed my exam in university. It was difficult to prepare because without light it's really difficult. ठंड के मौसम में लोग बिजली संकट से सिर्फ कीव ही नहीं, यूक्रेन के कई हिस्से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। कड़ाके की जिस ठंड में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत थी, ये छात्र बिजली आने पर पावर बैंक चार्ज करके रखते हैं और पढ़ाई से जुड़े वीडियो डाउनलोड करके रखते हैं, ताकि बिजली चले जाने के बाद भी पढ़ने वाले वीडियो वो देख सके।
की सहित यूक्रेन के तमाम अलग अलग इलाकों में बिजली संकट है और मात्र कुछ घंटों के लिए ही बिजली की सप्लाई लोगों को मिलती है। रूस द्वारा लगातार यूक्रेन पर किए गए हमलों से यहां बिजली संकट निर्माण हुआ है और साल के उस महीने में जब बिजली की यहां सबसे ज्यादा जरूरत और खपत होती है उस समय में यहां लोग बिजली की कमी से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि यूक्रेन के लोगों के लिए बिजली से जुड़ी ये समस्या आखिर कब खत्म होगी। शिवांगी ठाकुर, कीव, जी मीडिया। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।